एवरीवन, मेरी ग्रीन लाइवी चैनल में आपका मुझ वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट के ऊपर है। तो एक ये देखिए ये वाला होता जो होया प्लांट, तो ये बड़ा खूबसूरत पत्ती वाला होता है। तो इसको मैं आज कटिंग से लगाने वाली हूँ। तो बहुत खूबसूरत ये होता है, तो मैं इसको कई सारे प्लांट बना लूँगी इसके कटिंग से और बढ़ा लूँगी। और एक ये देखिए ये जो होता है ये पोथोस का होता है एक। और ये देखिए मेरा होया प्लांट है, इसकी लिप्स बहुत थिक और बहुत खूबसूरत है। तो इसकी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। ये देखो कितना इसमें लिप्स जो है इसकी काफ़ी थिक होने की वजह से ये काफ़ी भारी हो जाता है और ये ऐसे लटक जाता है। तो ये देखो कितना लटक गया। अब मैं इसकी कटिंग लगाने वाली हूँ ढेर सारी, तो ये हल्का हो जाएगा। और इसे मैंने दीवार की सपोर्ट से रखा हुआ था तब ये टिका हुआ था। तो मैं गार्डन सोयल में इसकी लगाने वाली हूँ। एक मुट्ठी नीम खली और इस हल्दी में कटिंग, ये हल्दी में लगाने वाली हूँ मैं। आजकल मैं जितनी भी बरसात में कटिंग लगा रही हूँ तो कटिंग जो है हल्दी से लगा के, कटिंग पे हल्दी लगा के और तभी मैं लगा रही हूँ। और इसकी मिट्टी में भी मैं हल्दी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो ये क्या होता है ये फंगस नहीं लगती और आराम से चलती रहती है, कटिंग हमारी आराम से चल जाती है। ये देखो कितना थिक कितना खूबसूरत है इसका। एक लीफ इसकी सूखती भी नहीं है, बहुत मुश्किल से सूखती, नहीं तो इसकी लीफ सूखती नहीं है और इतनी भारी होती है। इसकी होया प्लांट की कटिंग ये आराम से लग जाती है। तो मैं एक यहाँ से काटूंगी इसको, तो ये भारी फिर नहीं रहेगा, फिर ये अपना जो है वेट संभाल पाएगा ये, नहीं तो ये वेट संभाल ही नहीं पा रहा। तो ये देखो इसके वजन से, और मैं इतनी इतनी लंबी है इसमें, तो अब संभालने लगा, देखो अब सीधा खड़ा हो गया, इसका वेट कम हो गया ऊपर से, तो ये अपना वेट खुद देखो संभालने लग जाता। ये देखो अब अच्छे से संभाल रहा है। बस मैं इतनी ही कटिंग करूँगी इसकी, और ये इसको अच्छे से, इसको मैंने छायादार जगह में रखा था और अच्छी ब्राइट लाइट दे रखी थी कॉर्नर में, ये देखो शेडी एरिया में कितना खूबसूरत, इधर से दिखाती हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी पिंक है, ग्रीन है, और ये वाला ग्रीन भी है, और इसमें डार्क ग्रीन भी है, कितने सारे कलर हैं, देखो कितना खूबसूरत है। तो इसको बस मैं इसमें सोयल में इसकी कटिंग इसकी लगाने वाली हूँ। नीचे से इसकी जो है ये पत्तियाँ, दो पत्तियाँ निकाल दूँगी मैं इसकी, नीचे से एक ये वाली और एक ये वाली, इनको दोनों को निकाल दूँगी। और इनको ऐसे करके दो क्या तीन निकालनी पड़ेंगी मुझे इसमें से। और मैं फिर इसको ऐसे हल्दी में लगाऊंगी। और ये देखिए इसमें ना थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है, तो इसकी सेफ्टी के लिए तो ये अच्छा रहता है, ये ख़राब नहीं होती। चाहे इसको एक दिन बाद भी लगाओगे ये तब भी चल जाएगी, इस तरह का प्लांट होता है। तो मैं इसमें ऐसे ही लगा दूँगी, होल करूँगी इसमें पहले और तब लगाऊँगी। और अपने पॉट में अगर होल है तो सही है, मेरी ये गार्डन सोयल पहले इसमें होल है मेरे नीचे से, तो मैं इसमें होल नहीं करूँगी। तो कोई भी कटिंग लगाओ पॉट में पहले होल करो और तभी लगाओ, तो अच्छे से चल जाती है। और देखिए मैंने ये होया प्लांट की कटिंग लगा दी है, तो अब मैं इसको छाया में रख दूँगी पूरा, ऐसे ये छाया का ही प्लांट होता है। तो ये देखिए अब ये देखिए कैसे पूरा पछिम हो रही, क्योंकि ये झुक गई थी, इस पर डाली है पूरी ये दोनों ब्रांच। तो अब मैं क्या करूँगी इसको ऐसे आपस में करके इनको इस तरह से मैं सपोर्ट दे दूँगी, या इनको धागे से बांध दूँगी, धागे से सही रहेगा बांधना इसको, तो ये रुके रहेंगे और फिर इसी तरह सीधे चलने लगेंगे। और देखिए मैंने ये होया प्लांट की कटिंग लगा दी है, तो अब मैं इसको छाया में रख दूँगी पूरा, ऐसे ये छाया का ही प्लांट होता है। तो ये देखिए अब ये देखिए कैसे पूरा पछिम हो रही, क्योंकि ये झुक गई थी, इस पर डाली है पूरी ये दोनों ब्रांच। तो अब मैं क्या करूँगी इसको ऐसे आपस में करके इनको इस तरह से मैं सपोर्ट दे दूँगी, या इनको धागे से बांध दूँगी, धागे से सही रहेगा बांधना इसको, तो ये रुके रहेंगे और फिर इसी तरह सीधे चलने लगेंगे। और ये देखिए ये भी एक तरह का मनी प्लांट होता है, ये पिप्रोमिया भी बोलते हैं इसको, और ये पोथोस ब्राइटिक भी होता है। तो ये मेरे पास लगी हुई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा बूशी बनाऊंगी, तो ये लंबी सी हो गई लगी, तो इसको काट काट के थोड़ा बूशी बना दूँगी, इससे मैं हम ये काम कर सकते हैं बरसात में। तो मैं इसमें मग में लगाने वाली हूँ, इसमें पहले भी इसी में किया हुआ था, अब दोबारा से इसमें रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट बूशी बनाना है। तो इससे मैं हम बूशी बनाने के लिए ये कट करके इस तरह से ये लगा सकते हैं इसमें। तो ये भी एक मनी प्लांट की तरह ही होता है। और जिस पॉट में लगाए उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर करें। तो ये देखिए, तो
तो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। इसमें ड्रेनेज होल है पहले से, अब मैं इसको फटाफट मैंने ये कट कर लिए हैं सारे, जितना मुझे लंबी कटिंग चाहिए उसी हिसाब से सीधा सीधा करके रख दिया है। अब इसको मैं फटाफट इसी तरह यहाँ ऐसे लगाते चले जाऊँगी, नीचे से दो दो इसमें नॉट्स एरिया अंदर मिट्टी में दबाते चले जाएंगे, तो ये फिर अच्छे से चल जाएंगे बढ़िया। मैंने पहले ही मिट्टी में देखो होल कर रखे हैं इसमें सभी में। और लगाने के बाद फिर दिखाते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने पोथोस को लगाने के लिए ये पिपरों में आया, तो ये पोथोस की तरह होता है, इसको लगाने के लिए मैंने इसकी सोयल मैंने जो तैयार की है इस पोथोस की, तो इसमें एक पार्ट सैंड एक पार्ट कंपोज एक पार्ट मैंने इसमें कोकोपीट लिया है और एक मुट्ठी इसमें नीम खली भी लिया है। तो ये देखिए कितनी हल्की वेट की बनाई है ये मैंने, क्योंकि ये हैंग किया है। और इसमें 50% मतलब 50 नहीं एक पार्ट से आधा पार्ट मैंने इसमें मिट्टी का लिया है, मिट्टी का मतलब आधा लिया है, बाकी एक एक परसेंट लिया है एक एक पार्ट लिया है। तो ये देखिए और एक मुट्ठी नीम खली फंगीसाइड के लिए, तो फंगस नहीं लगेगी इसीलिए लिया है। तो बस इसमें ऐसी ये सोयल बनाई है मैंने, तो ये हल्के वेट की होती है और ये लटकाने के लिए हैंग करने के लिए ये सही होती है, जितना हल्का वेट रहता है लटकाने के लिए उतना सही रहता है। ये देखिए मैंने इसको लटका दिया, हैंग कर दिया यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा ये मैंने लगाया इसलिए है, ये काट काट के लगाया जिससे ये काफ़ी थोड़ा सा ज़रा भूसी हो जाए, तो ये भूसी करने की वजह से मैंने ये दोबारा रिपोर्ट किया है। और इसमें थोड़ा सा रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि ये मिट्टी में अपनी जड़ पकड़ ले। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही डाला क्योंकि बरसात है, ज़्यादा नहीं डाला। और ये मैंने बिल्कुल धूप तो यहाँ निकल ही नहीं रही है लेकिन फिर भी ये शेडी एरिया में रख दिया मैंने, बस इस तरह लगा सकते हैं ये इस तरह के पोथोस प्लांट। अगर मेरा कटिंग से लगाने का ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।